हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं कुछ नया करने, तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। और हम लोग जो करने जा रहे हैं आज वो है चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो यार, जो हम लोग चीप वर्सेस एक्सपेंसिव के सीरीज़ में आज हम लोग आए हैं राजू डोसा सेंटर में। जो मैं आपको डोसा तो दिखाया था, इडली दिखाया था, पर मैंने आपको वो नहीं दिखाया था कि यहाँ छोले भटूरे भी मिलता है। तो छोले भटूरे के लिए हम चलते हैं अंदर और अपना छोले भटूरे पार्सल कर लाते हैं, फिर घर में चल के चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। भैया एक छोले भटूरे पार्सल कर देना। तो आज जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ ये है एक इंडियन कॉफी हाउस का छोले भटूरे और राजू डोसा सेंटर का छोले भटूरे। ठीक है, दोनों कवर करते हैं, मज़ा आएगा बहुत। चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। चलिए अंदर चल के अपन छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं अपना। एक छोले भटूरे पार्सल कर दें। तो हमने एक छोले भटूरे लिया है राजू डोसा सेंटर से और एक छोले भटूरे लिया है इंडियन कॉफ़ी हाउस से, है ना। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों का प्राइस भी मैं घर चल के बताऊंगा और घर में बैठ के आराम से कंपैरिजन करते हैं। टेस्ट और पैकेजिंग ये सब का ओवरऑल बताता हूं मैं कि भिलाई में अगर आपको चीप और एक्सपेंसिव दोनों का ही अंतर मैं बताऊंगा। चलिए घर चलते हैं। तो अभी हम घर आ गए हैं, है ना। आपको मैंने जैसे बताया कि एक हमारा है इंडियन कॉफ़ी हाउस का और एक हमारा है राजू डोसा सेंटर। राजू डोसा सेंटर का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने उसमें डोसा टेस्ट किया था, सांभर वड़ा टेस्ट किया था। तो आप उस वीडियो का लिंक मैंने आपको ऊपर में दे दिया है, आप उसको चेक करना, है ना। बाकी वो दोनों का छोले भटूरे बाकी था, तो छोले भटूरे का हम टेस्टिंग आज करेंगे। एक है इंडियन कॉफ़ी हाउस का और एक है राजू डोसा सेंटर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ दोनों के छोले भटूरे में अंतर क्या है और उसके टेस्ट करके रिव्यू भी देता हूँ। चलिए उसको खोलते हैं, पैकेट को। पैकेट बंद है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। चलिए, राजू डोसा सेंटर का, है ना, और ये हमारा इंडियन कॉफ़ी हाउस का। तो दोनों के पैकेजिंग में बहुत बड़ा अंतर है। इंडियन कॉफ़ी हाउस वालों ने कपड़े का पैकेजिंग यूज़ किया है और राजू डोसा सेंटर ने पॉलीथीन का पैकिंग यूज़ किया है, जो कि गवर्नमेंट बोलती है पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। तो चलिए अब चालू करते हैं हम। तो ये सब मैं ओपन करके आपको प्लेट में दिखाता हूँ। इनका छोले है ये, मैं देख पा रहा हूँ जितना कि ग्रेवी का जो टेक्स्चर है वो थोड़ा पतला लग रहा है मुझे इनके छोले में, और इनका जो है राजू डोसा सेंटर का वो टेक्सचर गाढ़ा है। मैंने मसाले का ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया है और इसमें जो है मसाला थोड़ा कम मात्रा में यूज़ किया गया है, ग्रेवी बढ़ा दिया गया है। तो दोनों में हम अभी टेस्ट करके बताएंगे। तो ये हमारे दोनों लग चुके हैं, है ना। अब शुरुआत कहाँ से करूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए राजू डोसा सेंटर से करते हैं, जो कि चीप है हमारा, है ना। चीप भटूरे बोल सकते हैं इसको। पूरे भिलाई में आपको इस रेंज में भटूरे कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। मैं इसका प्राइस आपको बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में है, ठीक है। इनके ग्रेवी का टेक्सचर भी आपको मैंने दिखाया, तो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में। अब टेस्ट करके देखते हैं, बाद में मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस का आपको प्राइस बताऊँगा। तो सबसे पहले हम राजू डोसा सेंटर का छोले भटूरे टेस्ट करके देखते हैं। पूरे फूला हुआ है, पहले इसके छिलटा है। भटूरे है, भटूरे में टेस्ट है। नॉर्मल भटूरे भी खाओगे तो उसमें टेस्ट है। अब ग्रेवी के साथ करके देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ग्रेवी में पूरा ऐसे डिप करके लाजवाब 40 रुपए के रेंज में। अगर आपको कहीं ऐसा भटूरे मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना और पहले टेस्ट करना जाके राजू डोसा सेंटर, आकाशगंगा सुपेला। अब इंडियन कॉफी हाउस, पैकेजिंग जोरदार है, ग्रेवी का टेक्सचर जैसे मैंने बताया थोड़ा पतला है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। उससे पहले मैं छोले में नींबू निचोड़ लेता हूँ। ये नींबू देख सकते हैं आप, इन्होंने प्रोवाइड किया है इसलिए मैं निचोड़ रहा हूँ, राजू डोसा सेंटर ने हमें प्रोवाइड नहीं किया था। ठीक है, नॉर्मल पहले भटूरा टेस्ट करता हूँ। इनके भटूरे में थोड़ा नमक कम है, थोड़ा मिठास लग रहा है, और राजू डोसा सेंटर के भटूरा थोड़ा सा नमक और बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहा था। मतलब एक लग रहा था कि भटूरे वाला फ्लेवर आ रहा था। अब चलिए इनके ग्रेवी के साथ इनका भटूरे को पहले डिप करते हैं पूरे अच्छे से और फिर टेस्ट करके बताता हूँ आपको। पूरा ऐसे डिप करके, ग्रेवी बहुत पतला है तो इस मामले में तो मुझे लगता है कि राजू डोसा सेंटर बेस्ट है, क्योंकि उनका ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने मसाला खाने मिलेगा आपको और लगेगा कि भटूरे खाए हैं, और इनका ग्रेवी थोड़ा पतला है। भटूरे टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लगता है। वो वाला मज़ा नहीं है, ग्रेवी बहुत पतला है। तो आप टेस्ट करेंगे तो पहले बाइट में तो ऐसा लगेगा कि मुंह में वाटरिंग हो गया है, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि अरे यार मज़ा नहीं आया, क्योंकि पतला ग्रेवी है ना, पतला ग्रेवी सच से अंदर चले जाता है। और ग्रेवी अगर टेक्सचर थोड़ा बढ़िया है तो मज़ा आता है खाने में। और इनके भटूरे भी थोड़ा बीच में पतले हैं, मैंने यार बोल सकते हैं कि जिस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं वो मज़ा नहीं आया है। मज़ा ही नहीं आया मेरे को। तो मेरे नज़र में तो जितना मैंने टेस्ट किया, अपने अनुभव से मैं बताता हूँ आपको, 40 रुपये वाला भटूरे बेस्ट है भाई। भिलाई का 40 रुपये वाला भटूरे बहुत बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि हमको 100 रुपये में भटूरे प्रोवाइड कराता है। मेरे पास बिल होगा, मैं आपको बिल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस का बिल, 103 रुपये का कुछ चार्जेस लगा है, 104 बोल सकते हैं इसको मोटा मोटा। तो इस प्राइस रेंज में अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर इंडियन कॉफ़ी हाउस से कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा तो भैया ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा करिए, बाकी ओवरऑल भटूरे में थोड़ा सा दम लाइए। भटूरे में भी दम नहीं है, उससे अच्छा तो 40 रुपये में स्ट्रीट फूड प्रोवाइड करवा दे रहे हैं हमको, तो बहुत ही बढ़िया स्वाद है। ये आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है हमारा राजू डोसा सेंटर का भटूरे है और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस का है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में जो 100 रुपीज़ का प्राइस रेंज है, उस रेंज में ग्रेवी टेक्सचर थोड़ा पतला है और स्वाद में हल्का सा गिरावट है एज़ कम्पेयर टू राजू डोसा सेंटर। तो आज का हमारा विनर हुआ राजू डोसा सेंटर, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव में। चीप वर्सेस एक्सपेंसिव इसका नाम इसलिए दिया मैंने क्योंकि राजू डोसा सेंटर जो कि चीप में आता है ओनली इन 40 रुपीज़, और ये एक्सपेंसिव इंडियन कॉफ़ी हाउस, जाना माना रेस्टोरेंट, बहुत पुराना है, तो इनका जो है आता है आपको 104 रुपये का छोले भटूरे। ये था यार ओवरऑल हमारा आज का ब्लॉग, जो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यार आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट करिए, इतना मेहनत कर रहा है आपका भाई तो कमेंट तो करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्या क्या चाहिए नया, ये सब आप लिखेंगे तभी तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। और अच्छा लगता है वीडियो तो इसका लाइक बनता है, मैं लाइक टारगेट देता हूँ आपको, मेरे में ज़्यादा लाइक तो जाते नहीं है, तो 60 लाइक्स का ही टारगेट दे देता हूँ मैं आपको। तो प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट करिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने के लिए। तो आज के लिए वीडियो बंद करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करना, जैसे मैंने आज बोला है। ठीक है, तो वीडियो बंद करते हैं, बाकी मिलते हैं कल आपको और अच्छे वीडियो के साथ। चलिए।